हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल m.shamshadmedia फॉर लेटेस्ट मुशायरा एंड अदर प्रोग्राम्स एंड प्रेस द बेल आइकन गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। बहुत रोया था ये मिश्रा कहते हुए कि गैरों से भी ज्यादा हम सबको अपने भाई से नफरत है, गैरों से भी ज्यादा हम सबको अपने भाई से नफरत है। एक साथ नमाज भी पढ़ न सके, अल्लाह ये कैसी इबादत है। एक साथ नमाज भी पढ़ न सके, अल्लाह ये कैसी इबादत है। मसलक की लड़ाई में यारो मजहब का तमाशा मत करिए, मसलक की लड़ाई में यारो मजहब का तमाशा मत करिए। जो छोड़ के आका चले गए उस सब का तमाशा मत करिए, जो छोड़ के आका चले गए उस सब का तमाशा मत करिए। मस्जिद के मजारों के झगड़े गर बाजारों में लाओगे, मस्जिद के मजारों के झगड़े गर बाजारों में लाओगे। गुजरात मुजफ्फरनगर है क्या, हर शहर में मारे जाओगे। उनको तो हमारे मिटने की इस स्कीम से मतलब होता है, हम लोगों के कातिल को केवल मीम से मतलब होता है। बस मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है, बस मीम से मतलब होता है। बहुत शुक्रिया। एक मेरी जिम्मेदारी की नज़्म थी जिसे आपने सुन लिया, अब आइए मैं एक नज़्म और मैं आऊंगा, आने जाने का सिलसिला शुरू करूं। उससे अच्छा है कि जो जो आप सुनना चाहते हैं मुंतज़िमीने मुशायरा ने नामदारी मत जो आकर बात की फरमाइश की है जी, इंशाल्लाह मैं वो पढ़ दूंगा। लेकिन उससे पहले एक नज़्म सुनिए जो एक पूरे इंटरनेशनल पैमाने पे जो एक खून खून मंजर है उस पर एक नज़्म पढ़ता हूँ। अली अशरफ साहब बहुत हिंदी का स्टूडेंट हूँ मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, आप खुशनसीब है कि आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का हिस्सा रहे। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिंदी का स्टूडेंट रहा, उर्दू से सच में मेरा कोई एकेडमिक रिश्ता नहीं रहा, लेकिन उर्दू थोड़ी बहुत खून में रही। शायरी भी मैं नहीं मानता कि मैं कोई शायरी करता हूँ या शार कहता हूँ, बस दिल में जो दर्द थे उन्हें लफ्जों में पिरो दिया, आवाम ने सुन लिया, दुनिया ने मुझे शायर कह दिया, मुझे भी भरम हो गया कि मैं शायर हूँ। मैं नहीं मानता, लेकिन ये भी सच है कि कभी किसी को एक दूसरे का उस्ताद भी नहीं बनाया, कभी किसी ने इस्लाह नहीं की, बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, लेकिन बात जो कह रहा हूँ वो दिल का दर्द है। एक नज़्म पढ़ता हूँ। दुनिया के एक नक्शे पे छोटी सी जगह है जहाँ अस्पतालों पर बम बरसते हैं, जहाँ स्कूलों पर बम बरसते हैं। लोग भाई दर्द की नज़्म सुनिएगा, अस्पतालों पे स्कूलों पे बम बरसते हैं, ट्विटर और फेसबुक पे ऐसी तस्वीरें साझा होती हैं कि जब उस शहर पे बम बरसाया जा रहा है और जहां तोपें लगी हैं वहां बगल में कुर्सियां भी लगी हैं और वहां बैठ करके अधनंगे कपड़ों में कुछ औरत और कुछ मर्द चीयर कर रहे हैं और कोका कोला पी रहे हैं। हमने ऐसे भी मंजर हमारी आंखों ने देखे हैं। आप गूगल पर फलस्तीन टाइप करेंगे तो सिर्फ खून दिखाई देता है, सिर्फ लाशें दिखाई देती हैं। वो मुल्क अगर बोल सकता तो शायद यूं बोलता, वो मुल्क के पास अगर जुबान होती तो शायद यूं कहता। आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान नहीं फलस्तीन खड़ा होकर के बोल रहा है। मैं नज़्म पढ़ता हूँ, मेरे दर्द तक पहुंच सकेगा तो मेरा साथ दीजिएगा। पढ़ता हूँ, अब तक किसी से मैंने मेरे शायर दोस्तों से दुआ नहीं मांगी किसी शेर पर किसी नज़्म पर, लेकिन इस पर मांग रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये नज़्म है। पढ़ता हूँ सुनेगा। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने।
जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरान भी सुने, सिर्फ एक बंद उठाता हूं। आए थे एक दिन मेरे घर, आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, इन खून खून मंजरों के साथ, आंसू आंसू दामन के साथ एक हौसले का बंद पड़ता हूँ। आपकी दुआएं उन मासूम बच्चों तक पहुंचे, बम की बारिशों में जिनके हाथ पैर हो गए, जो अपंग हो गए, वो मासूम बच्चे जो बड़े होने से पहले ही मर गए। मैं पढ़ता हूँ कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक। अब दुआ चाहिए उन बच्चों के लिए, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुकद्दस बचाने को तो, अपना
रखिएगा, तो आज से कसम देता हूँ आपको कि जिन पैसों से बम खरीद करके फलस्तीन को बर्बाद किया जाता है, वो पैसे हमारी आपकी खरीदी गई चीजों के टैक्स से आते हैं। कोका कोला, नेस्ले, किटकैट, मार्क एंड स्पेंसर, जॉनसन बेबी जॉनसन, इन चीजों को बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि इन चीजों से जो टैक्स जाता है इसराइली कंपनियों को, उनसे बम और गोले खरीद करके हमारे बच्चों पे दागे जाते हैं। यह हमको आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जंग बड़ी है, इतना तो हमें आपको उसमें शामिल होना ही पड़ेगा। ना ही रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे, अपना बैतुल मुकद्दस बचाने को तो, अपना बैतुल मुकद्दस बचाने को तो मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। जो बहुत शुक्रिया। आप एक बार चाहें तो दुआओं से मेरा दामन भर सकते हैं। बहुत 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 अच्छा सुन रहे हैं। 5-7 मिनट शायद मेरे हिस्से में और है, मैं 5-7 मिनट के बाद ये सफर खत्म करूंगा। मैं 4-6 मिसरे चुके हुक्म है, कुछ फरमाइशें हैं, लेकिन मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। दरभंगा, बिहार, खास तौर से जिसे एक नाम से टारगेट किया गया है, उसे एक नाम के एक मिसरे से 4 मिसरे बनाता हूँ। और अगर लगे कि इमरान ने आपकी जुबान में बात कह दी है और पूरी हिम्मत के साथ कह दी है, आसान नहीं होता सीधे से आंख मिला करके, आंख से आंख मिला करके बातें कह देना। कहा जाता है कि इमरान साहब तैयार करिए, कम से कम आप तो बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब तो सबसे बड़ी गद्दी पर बैठ गए हैं लोग। तब मैं उनसे कह देता हूँ कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। मैं 4 मिसरों से आपके दर्द को जुबान देने की कोशिश करता हूँ। किसी को उठाया जाता है तो उस दर्द को मैं भी महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कल को क्या पता अगला नंबर मेरा हो, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। मैं पढ़ता हूँ। ना बांग्लादेश पाकिस्तान मुस्लिम वाले हैं, वतन से प्यार है ईमान, हम मुस्लिम वाले हैं, हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकर से। आपका शोर बड़ी अदालतों तक जाना चाहिए, मैं आपके दर्द को जुबान दे रहा हूं। पाकिस्तान और ना चीन वाले।
मौत होती है, उस मौत में लाखों लोग शामिल होते हैं जनाजे में। अफसोस की बात यह है कि मीडिया उस मौत को शहादत साबित करने पर तुला रहता है। मैंने चार मिसरे कहे, मुझे उस जनाजे में शामिल भीड़ पर कोई इतराज नहीं है, मुझे और किसी बात पर कोई कमेंट नहीं करना, मुझे जिस बात पर चार मिसरे कहने हैं वो बात अगर मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की। उसके चार दिन बाद में मुंबई में एक मुशायरे में था तो मुझे वहां गया, वहां भी पढ़ा, मैं यहां भी पढ़ता हूँ, मैं हिम्मत कर रहा हूँ, मेरा साथ देना। लबों पर हम सजा कर आ जाते हैं, कुरान निकले हैं वतन पर, मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं, जमाना कर तुला है, जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजा कर हम भी मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, हमी ने लाज रखी है बुजुर्गों की, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है, सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। मैं पढ़ता हूँ सुनेगा, मैं ये नहीं कहता के वफादार नहीं था, याद होगा गुड़िया से लेकर दामिनी तक पूरा हिंदुस्तान सड़क पर रहा। ये नज़्म मैं किसी गुड़िया के ईमान नाम का यकीन के लिए सही है तो मेरे ईमान से अपना ईमान जोड़िएगा, मुझे दुआ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ, मैं बात कहता हूँ, शायद ये बात सच लगे आपको, ये बात हुकूमत को भी सच लगेगी अगर आप उस पर मोहर लगाएंगे। पढ़ता हूँ सुनिएगा, तू बेटी है तो रहमत है, मेरी शायरात यहाँ बैठी, मैं उनसे भी दुआ चाहूंगा इस पर, क्योंकि वो किसी को दाद नहीं देती और वो खुद चाहती है कि उनको सब दाद दें, तो मैं चाहूंगा कि इस बार उनकी भी दाद मिल जाए। मैं पढ़ता हूँ सुनेगा, तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू देखो ना, बेहतर
इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया। अगला मिसरा एक नया सुझाव है तो मुझे दवा देना। बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया, तब भेज नहीं पाए तो क्या उनको अब भेज के देखो ना। कुछ तो खामी है कानून वहां पर, लेके खुदा का नाम सजा दे सकता है इन बलात्कारियों को, केवल इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है, इस्लाम सजा दे सकता है। सीधे सीधे आखिर में मदद पढ़ के अपनी जगह ले रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्तों का हुक्म भी है और जिन्होंने बुलाया है उनका खास तौर से हुक्म है, मंसूर भाई का, शम्स भाई का, कमर साहब मेरे साथ गाड़ी ले रहे लगातार, वो मुझे कहते रहे कि मैं ये नज्म पढ़िएगा। मैं पढ़ता हूँ, मेरी बदनसीबी रही है कि मैं आपके सामने शायद ये नज्म नहीं पढ़ सका हूँ। आपकी कुछ स्पीचेस मैंने सुनी है जो आप यूनिवर्सिटी के टाइम वक्त में दिया करते थे अपने अलीगढ़ के टाइम में, तो कभी कभी महसूस करता हूँ कि जो तेवर आपका था, काश हम नई नस्लों में भी वो तेवर आ सके ताकि हम कुछ खिदमत कर सके अपनों की। मैंने उसी तेवर से कुछ लम्हा चुराने की कोशिश की है। मैंने कहा नहीं, मेरा मदरसों से कोई रिश्ता नहीं है, मदरसों में पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा, कभी एक दिन भी मैंने पढ़ाई नहीं करी है वहां पर, लेकिन अल्लाह ने मुझसे एक नज्म कहलवाई। अल्लाह को जब काम लेना होता है तो चींटियों से काम ले लेता है। उसने मुझ जैसे एक अदना से इंसान से एक नज्म कहलाई जो मेरी पहचान का सबब बनी, लाखों मोबाइलों तक पहुंची। मोबाइल की क्लिप, कभी कभी ट्रेनों में सफर करता हूँ तो मोबाइल की क्लिप MP3 में सुनते हुए तमाम दोस्त या तमाम अजनबी लोग मुझसे कहते हैं अगर शेर व शायरी का शौक है तो कभी इसको सुनना बहुत अच्छा पड़ता है। उन लम्हों में लगता है कि अल्लाह ने बड़ी गुमनाम सी शोहरत दे दी है। हमें आपको समझना पड़ेगा, मुल्क के हालात बदले हैं, बहुत बदले हैं दोस्तों, समझना पड़ेगा हमें। हम ट्रेनों के फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं, हम चेहरे से मुसलमान नहीं लगते। एक दर्द है, एक आम हिंदुस्तानी का दर्द है, हम चेहरों से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन हमारे मोबाइल पर फोन आता है और हम जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। हेलो भाई, तो आसपास की सवालियों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बताते हैं कि मुल्क के हालात बदले हैं, बहुत बदले हैं। हम एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास लेके सिक्योरिटी चेक में खड़े होते हैं, हम अपना बोर्डिंग पास देते हैं, नाम पढ़ने के बाद सिक्योरिटी इंचार्ज की उंगलियों का दबाव बताता है कि मुल्क के हालात बदले हैं, बहुत बदले हैं। उस हालात ने ही हमें कहा कि हमें बहुत विनम्रता के साथ, बड़ी शराफत के साथ और इस देश के कानून में आस्था और विश्वास रखते हुए उस मीडिया के प्रोपेगेंडे के खिलाफ एक नज्म कहें। हमने एक नज्म कही, बड़ी मासूमियत से मैंने पढ़ा, आप तक पहुंची, मैं वो आपकी अदालत में भी रख रहा हूँ, पढ़ता हूँ सुनेगा, रुक गया आपकी दुआ मिले, पढ़ता हूँ सुनेगा। मिला हमेशा, दुआ दीजिएगा आप लोगों की, मैं आपके हुक्म पे पढ़ रहा हूँ। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। मैं उस मिट्टी में खड़ा हुआ हूँ, यहाँ की दीवारों का जो दर्द है उन्हें मिस्रों में पिरोने की कोशिशें करता हूँ। कभी नहीं हो
से कोई इल्जाम मदरसों से चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाह उल हक को गेंद लेकर के जहीर खान दौड़ते हैं तो लगता है कि असली हिंदुस्तान ये है। मैं पढ़ रहा हूं और आपसे दुआ मांगता हूं कि बड़ी जरूरत देश को जब जब किया कमाल नहीं देश को एक से एक बढ़कर के दिया है लाल नीने दिया है के आज के बाद अगर कोई ये बात आपसे कहे तो उसके मुंह पर फटाक से ये बात कह दीजिएगा और मीडिया से भी चाहूंगा कि ये छापिए दूसरा पहलू भी छापिए निकले जाकिर फखरुद्दीन कलाम मदरसों से मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से। मैं अपने बुजुर्गों की पेशानी की झुर्रियों में ये दर्द भी महसूस करता हूँ जब महात्मा गांधी अफ्रीका से लौट कर आते हैं और उन्हें उनकी अगवानी के लिए हमारे अकाबरीन जा करके उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि आइए हम आपको अपना रहनुमा बनाते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में जरूरत है इस बात की अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की। दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है दिल्ली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। अहिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले गांधी को महात्मा का लकब हमने दिया है गांधी को महात्मा का लकब हमने दिया है चाहे शेख उल हिंद हो या फजले हक खैराबादी चाहे शेख उल हिंद हो या फजले हक खैराबादी जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी अपनी साक्षी महाराज जी मिला तुम्हें आजादी का नाम मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से। भारत क्रिकेट का विश्व कप जीतता है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को जीत का जश्न मनाना होता है तो एक कंधे पर उठाने के लिए गुजरात की मस्जिद के मौजिन का लड़का यूसुफ पठान आगे आता है तो एक कंधे पर उठा के पूरे स्टेडियम के चक्कर लगाता है। ये ताकत ये कुवत मस्जिद और मदरसों के इन छोटे छोटे दानों में जो हमारे आपके चंदे से आते हैं किसी सरकारी मदद से नहीं आते। मैं एक बंद पढ़ता हूँ और एक तीखा सा बंद है लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इससे अच्छा कुछ नहीं कहा। मैंने इतिहास पढ़ा है मुझे याद है डॉक्टर एपी भट्ट टागोर की वो भी किताब जिसमें वो बाकायदा लिखते हैं कि 57 की जंग के बाद जब अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करना है तो आसान नहीं है मुसलमानों को मिटाओ हम लड़ रहे थे उस वक्त हमसे हुकूमत छीनी गई थी अंग्रेजों को लगा कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करना है तो मुसलमानों को मिटाना है तो कुरान मिटाओ। वो मंजर भी लोगों की आंखों में होंगे जब एक साथ कई सौ उलेमा को फांसियां दी गई और अंग्रेजों ने यह कहा कि उनकी लाशों को कई दिन तक मत उतारो ताकि लोगों में दहशत फैले। मैं उन सारे मंजरों को दो मिसरे में कहने की कोशिश करता हूँ मेरा साथ देना मुझे दुआ देना पढ़ता हूँ जंगे बिल्कुल खामोशी से सुना मैं चाहूंगा मुझे उसकी भी दुआ मिल जाए इस मिसरे पर कि जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए जंगे आजादी में फिरंगी लाख कुरान जलाए किसी भी हाफिज के दिल से एक हर्फ मिटा ना पाए जंगे किसी
लिया है अल्लाह ने ऐसा भी काम मदरसों से मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से आलू भाई जब आप जैसा बड़ा भाई दुआ देता है तो अच्छा लगता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर सिस्टम ये प्रशासन ये हुकूमतें हमसे क्या उम्मीद करती हैं। हमारे हाथों में शहनाई थमाई गई तो हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बन गए, हमारे हाथों में सरोद थमाया गया तो हम उस्ताद अमजद अली खान बन गए, हमारे हाथों में तबला थमाया गया तो हम उस्ताद जाकिर हुसैन बन गए, हमारे हाथ में म्यूजिक थमाया गया तो हम इस देश को आस्कर दिलवाने वाले रहमान बन गए, हमारे हाथ में साइंस दिया गया हमारे हाथ में साइंस दिया गया तो हम इस देश को परमाणु संपन्न बनाने वाले कलाम बन गए, हमारे हाथ में टेनिस का रैकेट पकड़ाया गया तो हमारी बेटियां सानिया बन गई, हमारे हाथ में अभिनय दिया गया एक्टिंग दी गई तो हम मोहम्मद यूसुफ उर्फ दिलीप कुमार हो गए, हमारे हाथ में क्रिकेट का बल्ला पकड़ाया गया तो हम यूसुफ पठान इरफान पठान मोहम्मद समी और जहीर खान बन गए। चूंकि हमें उधर कहने की आदत है तो हो सकता है कि हमारे पांव लड़खड़ाए हों तो हम हाजी मस्तानी भी बन गए, लेकिन इससे ब्लैक जिस तरह के धनुष होता है उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, एक रंग काला भी होता है, लेकिन हम उस इंद्रधनुष को सिर्फ काले रंग से नहीं पहचानते जो उसके और रंग होते हैं उससे पहचानते हैं। उसी तरह मैं सिस्टम से गुहार लगाता हूँ, गुजारिश करता हूँ, चरणी करता हूँ, विनती करता हूँ कि हमारी नस्लों को काले रंग से मत पहचानिए, हमारी नस्लों के जो और रंग हैं हमें उससे पहचानिए, हमें सही चश्मे से देखिए, हम आपको यकीनन बहुत खूबसूरत नजर आएंगे। आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ आपकी अदालत में, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से कोई इल्जाम मदरसों से। सिस्टम का इल्जाम हथियार, सिस्टम का इल्जाम टेररिज्म की शिक्षा। मैं उस दयार में खड़ा होकर के पूरी जिम्मेदारी के साथ बताता हूँ क्या मिलता है। ये दीवारें उगड़ी हुई दीवारें इस बात की गवाह हैं। मुहर लगाना मेरी बात पर कि मिलता क्या है मदरसों में। मर्दों के लोटे कुछ मदरसों